हेलो एवरीवन, मैं सदफ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चिकन शेजवान खप्सा बिरयानी बताने जा रही हूँ, तो बहुत ही अलर्ट होके बैठ जाइए क्योंकि ये बहुत ही जायकेदार है और इसको बनाए और खाए बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें इसके लिए चाहिए प्याज, मैंने लिया है 250 ग्राम प्याज, अलग अलग एक अंडे की तरह आधा काटा है और आधा मैंने बारीक बारीक काटा है। शिमला मिर्च चाहिए 3 बड़ी बड़ी और हरी प्याज चाहिए बारीक कटी हुई 250 ग्राम। 1 किलो मैंने चिकन और 1 किलो चावल लिया है और चावल को मैंने अच्छे से धो के इसको नमक डाल के पकने रख दिया है। चावल हमें पूरा पकाना है। स्टेप 1, आप सोच रहे होंगे मैं सीधे चिकन पे क्यों आ गई। ये मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था रात में और इसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती गाइज, इसलिए मुझे ये शॉर्टकट अपनाना पड़ा। फ्राई पैन में मैंने डाला था तेल और अच्छे से सारे चिकन के पीसेस को जो मैंने ओवरनाइट रखा था मैरिनेट करके अच्छे से सेक लेना है दोनों साइड से। एक साइड में मैं कोयले को गरम करूँगी, कोयला अच्छे से जब तक लाल हो रहा है तब तक हमारा चिकन भी पक रहा है। अब जैसे ही हमारा चिकन हो जाएगा इसमें हम एक प्लेट में निकाल के फॉइल पेपर का यूज़ करके उसमें हम कोयला रखेंगे। कोयला एकदम रेड हॉट हो चुका है। अब कोयले के ऊपर हम घी या तेल यूज़ कर सकते हैं जिससे अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाए। इसको अच्छे से ढकना है जो धुआँ हमारा बाहर ना आए और 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। चलिए, हमारा एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। ये 3 स्टेप में बनेगा गाइस, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप बाकी है। दूसरे स्टेप में हम शेजवान सॉस बनाएंगे। इसमें मैंने लहसुन लिया है, मैंने यहाँ पे 15 से 20 लहसुन लिया है बारीक बारीक काट के। तेल में हमको धीमी आँच पे लहसुन के फ्लेवर को अच्छे से तेल में आने देना है। जी देखिए, लहसुन का जैसे ही कलर हमारा चेंज हो रहा है हमारा गार्लिक का, हम प्याज इसमें जो हमने अंडे के जैसे काटी थी वो ऐड करेंगे। ये 3 बड़ी बड़ी प्याज मैंने ली थी। अब देखिए, जैसे ही हमारा अनियन कलर चेंज करना शुरू कर दे तो हम इसमें शेजवान चटनी ऐड करेंगे। शेजवान चटनी हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसमें ऐड करना है। 3 बड़े चम्मच भर भर के शेजवान चटनी इसमें ऐड करना है। गाइज, मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे हमें 250 ग्राम शेजवान चटनी लगेगी। अब मैं यहाँ पे डालूँगी ग्रीन सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस 1-1 टेबलस्पून। थोड़ा सा भुनने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब हरा कांदा यानी कि हरी प्याज हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी काट के रखी थी। कलर आप देख रहे हैं और खुशबू भी बहुत ही लजीज है इसकी। अब जैसे ही हमारा सॉस कंप्लीट हो जाएगा हम एक एक करके चिकन के पीसेस को उठा के सॉस में डालेंगे। अब देखिए, एक तरफ से हमारा शेजवान सॉस रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे पतीले में तेल डालेंगे भर के 2 टेबलस्पून और उसमें लहसुन वापस से डालेंगे। लहसुन वापस से 15 से 20 जवे हम लेंगे बारीक बारीक काट के। अब हम इसमें जो बारीक बारीक प्याज हमने काटी थी 3 बड़ी, वो इसमें ऐड करेंगे। ये हम तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं गाइस, आप कंफ्यूज ज़रा भी मत होइएगा। आप थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट हो गई, एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। इस पे मैंने सोया सॉस डाला है और शेजवान चटनी डाला है 2 बड़ा टेबल स्पून और शिमला मिर्च ऐड की है।
और अब इसमें मैंने डाला है चिकन का तंदूरी मसाला। थोड़ा सा भुनने के बाद जो पके हुए चावल है, कंफ्यूज मत होइएगा, कच्चा चावल इसमें नहीं ऐड करना है, पके हुए चावल को ही इसमें डालना है। चावल को हम हाथ से फोड़ के इसमें डाल लेंगे और ऊपर से मैंने हरा कांदा यानी हरी प्याज ऐड की है। सारे सॉसेज में नमक रहता है तो आप टेस्ट करने के बाद ही ऐड करिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें भी कोयले का स्मोकी फ्लेवर देंगे चावल में। हमने गाइस फर्स्ट और लास्ट स्टेप में कोयले का स्मोकी फ्लेवर दिया है। थोड़ा सा तेल डालने के बाद जैसे ही धुआं उठने लगे हम ढक्कन बंद करके अच्छे से फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर इसमें आने देंगे। तो ये देखिए हमारा चावल एकदम रेडी था। हम प्लेट में इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने राइस लिया है, ऊपर से हमने चिकन का जो ग्रेवी बनाया था वो ऐड किया है, अंडों को बॉईल करके काट के इसे लगाया है, और खीरे और गाजर को लंबा लंबा काट के ऐसे लगाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।